हाय फ्रेंड्स, आज हम लीची के पौधों को बड़े गमलों में ट्रांसफ़र करेंगे। ये पौधे कुछ महीने पहले मैंने लीची के बीजों से ही घर में लगाए थे और ये उग गए हैं, बड़े हो गए हैं। अब इनको बड़े गमले की ज़रूरत है तो हम इनको ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रांसप्लांट करेंगे बड़े गमले में। लीची का रूट सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग होता है, देखें इसकी रूट्स। अभी तक इसमें लीची का बीज लगा हुआ है, पौधा इतना बड़ा हो गया है। इसके लिए जो मैंने मिट्टी ली है, नॉर्मल बालू मिट्टी जो गार्डन सॉइल होती है वो ली है, और कॉर्न ली है 50-50। लीची का पौधा किस तरह मैंने बीज से ग्रो किया है इसकी पूरी डिटेल और पूरी वीडियो मैंने इसकी बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। बड़े गमले में ट्रांसप्लांट करने के लिए थोड़ा सा गड्ढा करेंगे हम, ताकि इसका बीज और रूट सिस्टम जो है इसका डेवलप रहे। और जिस गमले में लगा हुआ था उसकी थोड़ी सी मिट्टी डाल के फिलअप करेंगे और फिर सेट करेंगे। सेम प्रोसीजर से तीनों प्लांट्स ट्रांसफ़र कर देंगे। ये लीची का तीसरा पौधा है, इसके पत्ते थोड़े से बीमार हो गए हैं, तो जहाँ तक इसके पत्ते ख़राब हैं सिर्फ उसको कट कर दें आप कैंची से, तो जो हिस्सा ग्रीन है वो उसको पौधे में लगाए रहने दीजिए। इसका रूट सिस्टम देखें आप, उसकी रूट काफ़ी लॉन्ग है और इसमें भी बीज अभी तक लगा हुआ है, लीची का बीज। इसकी जड़ें जो है काफ़ी लॉन्ग है, तो हम इसको राउंड करते हुए, गोल करते हुए गड्ढे में रखेंगे और फिर मिट्टी डाल के फिलअप करेंगे एहतियात से। लीची के तीनों पौधे लगाने के बाद हम इसकी स्टेम को बहुत एहतियात से पकड़ के प्रेस करेंगे, मिट्टी को प्रेस करेंगे, ताकि जितने भी एयर पॉकेट से नीचे ज़मीन में वो निकल जाएं। गमले को भी पटकेंगे ताकि पूरे गमले में से एयर पॉकेट्स निकल जाएं। तीनों लीची के प्लांट्स ट्रांसप्लांट करने के बाद हम इसको इनके पत्तों पर शावर करेंगे थोड़ा सा, और फिर बारिश का पानी मैंने सेव करके रखा हुआ है वो गमले में डालेंगे भरपूर अंदाज में। जब भी आप कोई पौधा लगाएं या कोई बीज ग्रो करना चाहें उसमें कोशिश करें बारिश का पानी डालें, जब भी डालें बहुत जल्दी और बहुत अच्छी स्ट्रांग जर्मिनेशन उसकी होती है, स्ट्रांग रूट डेवलप होती है। लीची सीडलिंग ट्रांसप्लांट करने के बाद इसको एक हफ्ते तक सेमी शेडेड एरिया में रखें, उसके बाद एक हफ्ते बाद इसको धूप में आप रख सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल
एंड प्रेस द बेल आइकॉन। टेक केयर। ना अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिए, अपने पौधों का ख्याल रखिए और पौधों से दुआओं का लेन देन करते रहिए। याद रखिए, दुआ गार्डनिंग को अपनी दुआओं में। खुदा हाफिज़।